आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के अध्यक्षा जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण और विविध क्षेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले कई वर्षों से अलग अलग महानुभावों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अलग अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाएं चली हैं वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। इस पवित्र अवसर पर आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी सांझी विरासत है। हम सबके सांझे प्रयासों का परिणाम है और रात्रि को 12 बजे इस सेंट्रल हॉल में हम एकत्र आए हैं। यह वो जगह है जिस जगह पे इस राष्ट्र के अनेक महापुरुषों के पद चिन्हों से इस जगह ने अपने आप को पावन किया हुआ है, ऐसी पवित्र जगह पर हम बैठे हैं। और इसलिए आज सेंट्रल हॉल की इस घटना के साथ हम याद करते हैं
9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक का ये सभागृह साक्षी है। हम उस स्थान पर बैठे हैं जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नायडू, ये सब महापुरुष पहली कतार में बैठे हुए थे। उस सदन में जहां कभी 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, ये स्थान उनका साक्ष्य है। 26 नवंबर 1949 देश ने संविधान को स्वीकार किया। यही जगह उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है। और आज वर्षों के बाद एक नई अर्थव्यवस्था के लिए, संघीय ढांचे के एक नई ताकत के लिए जीएसटी के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूं कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए। संविधान का मंथन 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक चला था। हिंदुस्तान के कोने कोने से विद्वत जन उस बहस में हिस्सा लेते थे, वाद विवाद होते थे, राजी नाराजी होती थी, सब मिलकर के बहस करते थे, रास्ते खोजते थे। कभी इस पार कभी उस पार नहीं जा पाए तो बीच का रास्ता खोज करके चलने का प्रयास करते थे। ठीक उसी तरह ये जीएसटी भी एक लंबी विचार प्रक्रिया का परिणाम है। सभी राज्य समान रूप से, केंद्र सरकार उसी की बराबरी में, और सालों तक चर्चा की है। संसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने, उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है। एक प्रकार से बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। जब संविधान बना तो संविधान ने पूरे देश के नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार, उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था खड़ी करती थी। और आज जीएसटी एक प्रकार से सभी राज्यों के उन मोतियों को एक धागे में परोने का और आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक सुचारू व्यवस्था लाने का एक अहम प्रयास है। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। जीएसटी ये टीम इंडिया का क्या परिणाम हो सकता है, ये टीम इंडिया की कर्तृत्व शक्ति का, सामर्थ्य का परिचायक है। ये जीएसटी काउंसिल
केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है। दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है। मैं जीएसटी काउंसिल को बधाई देता हूं। अब तक इस काम का नेतृत्व जिन जिन लोगों ने किया है, अरुण जी ने विस्तार से कहा था, मैं उसका पुनरावर्तन नहीं करता हूं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं मीटिंग हुई और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू होगा। ये भी संयोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया थी, परिश्रम थे, शंका आशंकाएं थी, राज्यों के मन में गहरे सवाल थे, लेकिन अथाग पुरुषार्थ परिश्रम, दिमाग की जितनी भी शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है लाकर के इस कार्य को पार किया है। चाणक्य ने कहा था, यद्दुरम यद्दुराद्यम यच्च दुरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्ति क्रमम। चाणक्य के इस वाक्य ने हमारी इस पूरी जीएसटी प्रक्रिया को बड़े अच्छे ढंग से कहा है। कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है। हम कल्पना करें कि देश आजाद हुआ, 500 से ज्यादा रियासतें थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को मिलाकर के देश को एक न किया होता, देश का एकीकरण न किया होता, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र कैसा होता, कैसा बिखराव होता। आजादी होती लेकिन देश का वो मानचित्र कैसा होता। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। उनतीस राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों की अलग अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। और जब इतने सारे टैक्स, 500 अलग अलग हिसाब लगाए, 500 टैक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रखर वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो है इनकम टैक्स। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टैक्स देख करके क्या कहते, क्या सोचते। और इसलिए, और हमने देखा है कि उत्पाद के अंदर के उत्पादन में तो ज्यादातर कोई बहुत असमानता नहीं आती है, लेकिन जब प्रोडक्ट बाहर जाता है
राज्यों के अलग अलग टैक्स के कारण असमानता दिखती है। एक ही चीज दिल्ली में एक दाम होगा, 25-30 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में दूसरा चार्ज लगेगा और उधर नोएडा में गए तो तीसरा होगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा का टैक्स अलग, उत्तर प्रदेश का टैक्स अलग, दिल्ली का टैक्स अलग। इन सारी विविधताओं के कारण सामान्य नागरिक के मन में सवाल उठता था कि मैं गुरुग्राम जाऊं तो यही चीज मुझे इतने में मिल जाती है, मैं वही चीज नोएडा जाता हूं तो इतने में मिलती है और दिल्ली में जाता हूं तो इतने में मिलती है। एक प्रकार से हर किसी के लिए कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी और पूंजी निवेश में भी विदेश के लोगों के लिए ये सवाल रहता था कि भाई किस एक व्यवस्था हम समझते हैं और काम कहीं सोचते हैं तो दूसरे राज्य में दूसरी व्यवस्था सामने आती है और एक कंफ्यूजन का माहौल बना रहता था। आज उस पर से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरुण जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि जीएसटी के कारण ऑक्ट्रॉय की व्यवस्था हो, एंट्री टैक्स हो, सेल टैक्स हो, वैट हो, न जाने कितनी नई चीजें, सारा वर्णन उन्होंने विस्तार से किया, सब खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम एंट्री के टोल पर घंटों तक हमारे व्हीकल खड़े रहते हैं, देश का अरबों खरबों का नुकसान होता है, फ्यूल के जलने के कारण पर्यावरण का भी उतना ही नुकसान होता है। इस सारी व्यवस्थाएं सिमलेस होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अव्यवस्थाओं में से एक मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। कभी कभार पेरिसेबल गुड़ खास करके समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता था, लेकिन वो जब नहीं पहुंचता था तो उसके कारण उस पहुंचाने वाले का भी नुकसान होता था और जो प्रोसेसिंग करता था उसका भी नुकसान होता था। इन सारी जो व्यवहार जीवन की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं से आज हम मुक्ति पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है। एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए हैं। भाइयों साथियों, टैक्स टेररिज्म और इंस्पेक्टर राज, ये बात कोई नई नहीं है। सब दूर ये शब्द हम सुनते आए हैं, परेशानी भुगतने वालों से हमने उस चिंता को अनुभव किया है और जीएसटी की इस व्यवस्था के कारण, टेक्नोलॉजिकली सारा ट्रेल होने के कारण अब अफसरशाही उसके लिए ग्रे एरिया बिल्कुल समाप्त हो रहा है। उसके कारण जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही हैं, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा, कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। इस पूरी व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है और जो 75 लाख तक है उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े इसकी व्यवस्था की है। ये बात ठीक है कि स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है, लेकिन वो मिनिमम व्यवस्थाएं, नाम मात्र की व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके कारण सामान्य मानवी जो है उसके लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है।
साथियों, जीएसटी की व्यवस्था ये बड़ी बड़ी आर्थिक भाषा में जो बोला जाता है वहां तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहूं कि देश के गरीबों के हित के लिए ये व्यवस्था सबसे ज्यादा सार्थक होने वाली है। आजादी के 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुंचा नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं हुए हैं, सब सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, लेकिन संसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं न कहीं कम पड़े हैं। अगर हम संसाधनों को सुव्यवस्थित ढंग से और बोझ किसी एक पर न जाए, बोझ स्प्रेड हो जाए, हॉरिजॉन्टल जितना हम स्प्रेड करें उतना ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविधा बढ़ती है, और इसलिए उस दिशा में जाने का काम, अब वो कच्चा बिल पक्का बिल ये सारे खेल खत्म हो जाएंगे, बड़ी सरलता हो जाएगी। और मुझे विश्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलना वाला है वो जरूर उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि गरीब का भला हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वाला है। कभी कभी आशंकाएं होती हैं कि ये होगा डिकना नहीं होगा फला नहीं होगा, और हमारे देश में हम जानते हैं कि जब 10th और 12th के रिजल्ट ऑनलाइन देने की शुरुआत की और एक साथ सब गए जब, तो सारा हैंगअप हो गया और दूसरे दिन खबर यही बन गई कि ऐसा हो गया। आज भी काफी इसी चर्चा होती है। ये बात ठीक है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लेकिन हर परिवार में 10वीं 12वीं का अगर विद्यार्थी है तो उसको ये सारी चीजें आती हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, इतना सरल है। घर में 10वीं 12वीं का विद्यार्थी भी रहता है तो चीजें छोटे से व्यापारी को भी और वो मदद कर सकता है, रास्ता निकल सकता है। जो लोग आशंकाएं करते हैं, मैं कहता हूं कृपा करके ऐसा मत कीजिए। अरे आपका पुराना डॉक्टर हो, आप उसी से अपनी आंखें लगातार चेक करवाते हो, वही हर बार आपके नंबर निकालता हो, आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो, आप वहां आपके नंबर बनवाते हो, और फिर भी जब नया नंबर वाला चश्मा आता है तो एक आध दो दिन तो आंख ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है। ये बस इतना ही है, और इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इस व्यवस्था के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अफवाहों के बाजार को बंद करें, और अब जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो, देश के गरीब जनों की भलाई के लिए कैसे काम हो, उस पर हम देकर के चलें, और तब जा करके जीएसटी की इस निर्णय का वैश्विक इकोनॉमिक वर्ल्ड में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की व्यवस्था बहुत आसानी से वो समझ पाते हैं और उसको चला पाते हैं। मैं समझता हूं भारत में और आज दुनिया का एक प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में, निवेश के लिए प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में भारत को हर प्रकार से स्वीकृति मिली है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने की मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कैटलिस्ट है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा कैटलिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बल मिलेगा, और जीएसटी एक वो व्यवस्था है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम घुटना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। हमारा बिहार देखे, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखे, हमारा पश्चिम बंगाल देखे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देखे, हमारा उड़ीसा देखे, संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको ये व्यवस्था, जब जिस एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास की में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर
सबसे बड़ा अवसर इसे मिलने वाला है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना ये अपने आप में विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जीएसटी एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे है, रेलवे केंद्र और राज्य मिलकर के चलाते हैं, फिर भी भारतीय रेल के रूप में हम देखते हैं। राज्य के अंदर स्थानीय रूप से मदद मिलती है, एक समान रूप से हम देखते हैं। हमारी सेंट्रल सर्विस के अधिकारी केंद्र और राज्यों में वितरित हैं, फिर भी दोनों तरफ से मिलकर के चला सकते हैं। एक जीएसटी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के लोग मिलकर के निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं। ये अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था आज हो रही है और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व के साथ स्वीकार करेगी। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल पड़े हैं, 125 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगी। और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता रहस्य लिखा है, उस गीता रहस्य के समापन में उन्होंने वेद का एक मंत्र को उसमें समाहित किया है, उस वेद का मंत्र आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। और लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, उसका उल्लेख किया हुआ है, मूलतः ऋग्वेद का श्लोक है, समानी वह आकृति ही समाना हृदयानी वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। आप लोगों का संकल्प निश्चय और भाव अभिप्राय एक समान रहे, आप लोगों के हृदय एक समान हो, जिससे आप लोगों का परस्पर कार्य सर्वत्र एक साथ भली प्रकार से हो सके। इस भाव से लोकमान्य तिलक जी ने भी हमें आज परिणाम दिया है। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है, जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है, जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। और गुड़ इसलिए कि टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स जो लगते थे उससे मुक्ति मिल रही है। सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है, और इसलिए उसे हमें आगे बढ़ाना है। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने समय निकाल करके, क्योंकि इस सारी यात्रा के वे भी एक साथी रहे, सहयात्री रहे, इसके हर पहलू को उन्होंने भली भांति देखा है, जाना है, प्रयास किया है, उनका मार्गदर्शन इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनेगा, नया उमंग और उत्साह मिलेगा, और उसको लेकर के हम आगे चलेंगे। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वो आज आए हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, और उनकी बातें हम सबको एक नई प्रेरणा देती रहेगी। इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार इस प्रयत्न के साथ जुड़े हुए
हर किसी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और श्रद्धेय राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें।